ब्रॉट टू यू बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। क्या बिहार में जो जमीन सर्वे हो रहा है उस जमीन सर्वे पर रोक लग सकती है या फिर उसकी मियाद बढ़ाई जा सकती है? दरअसल कई रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि जिस तरह से जमीन सर्वे चल रहा है और उस पर तमाम तरह की आपत्तियां सामने आ रही हैं, लोगों की परेशानियां सामने आ रही हैं, उस पर अब सरकार की नजर है। मसलन जैसे कहीं म्यूटेशन नहीं हो रहा है, कहीं दाखिल खारिज में समस्या है, कहीं लोगों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं ऑफिस के कि आखिर जमीन सर्वे में वो शामिल कैसे हों, हिस्सा कैसे लें। इन सब को देखते हुए क्या सरकार इस पर रोक लगा सकती है? इस रिपोर्ट के बाद से ये तमाम सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि एक साल बाद चुनाव होना है और नीतीश सरकार को कहीं इसका नुकसान ना हो जाए। वहीं इस मामले पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने इस मामले पर ना केवल विपक्ष के लोगों को घेरा है बल्कि ये भी क्लियर किया है कि सर्वे फिलहाल जारी रहेगा। बयान सुनिए। देखिए, गांव का कोई भी आदमी किसी तरह के विवाद की बात नहीं बोल रहा। पटना में नेता लोग को बैठे बैठे कोई काम नहीं है तो इसी तरह की बात बोलता है। और सर्वे हो जाने से पूरे बिहार के जमीन का भविष्य तय हो जाएगा और कहीं भी कोई विवाद नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। आपका कोई विवाद है आप ही खुद बताइए। काहे के लिए क्यों छटपटाहट भाई, इतना अच्छा काम हो रहा है, सर्वे हो रहा है, जमीन का विवाद समाप्त हो जाएगा। जमीन माफिया लोग को लगता है कि सर्वे होने पर सरकारी जमीन जो अतिक्रमण है या माफिया लोग जो अवैध कब्जा किए हुए हैं, वही लोग पटना में लॉबी बना करके इस तरह की बात करता है। अब सवाल यह है कि मंत्री कह रहे हैं कि इस पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगेगी, ये अच्छे उद्देश्य के लिए किया जा रहा है। वाकई सरकार का उद्देश्य इसमें साफ है कि सरकार रिकॉर्ड बनाना चाहती है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार तक पे भी आपने तमाम रिपोर्ट्स इससे जुड़ी हुई देखी होंगी जिसमें लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कहीं पैसे लेने देने की भी बात सामने आ रही है। इन तमाम पक्षों को देखते हुए अब सवाल यह है, मंत्री बयान दे रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर इस पर समीक्षा करते हैं और कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो ये मुमकिन है कि सरकार कभी भी अपने फैसले को पलट सकती है। फिलहाल मंत्री ने इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है, भूमि सर्वे का काम जारी रहेगा। पटना से शुभम निराला की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।